दोस्तों, आप सब कैसे हो? नमस्ते, जय माता रानी। आज हम बनाएंगे आलू गोभी और मटर की सब्जी। तो चलिए, हम पहले सब्जी काट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी सब्जी कट गई है और गोभी भी कट किए हैं, आलू भी कट कर लिए हैं और प्याज भी कट कर लिए हैं। दोस्तों, हम कढ़ाई को भी रख दिए हैं, गर्म हो रहा है। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। इसमें सबसे पहले हम जीरा डाल देते हैं। इसमें हम प्याज डाल देते हैं। ये दोस्तों, इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं प्याज को। अब इसी में हम गोभी डालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पक जाएगा प्याज तो गोभी ऐसे ही हमारा नहीं पक पाएगा, क्योंकि सूखा बनाना है सब्जी। अब इसमें आलू भी डाल देते हैं और इसी के साथ ये भी मटर भी डाल देते हैं हमारा। चलिए दोस्तों, इसको हम ऐसे चला के और छोड़ देते हैं। इसका धीमी आंच में पकेगा, तब तक हम आटा गूंथ लेंगे। और क्योंकि दोस्तों और ज़्यादा लेट हो गया है, 6:30 बज गया है, बच्चों को टिफिन देना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं सब्जी पराठा। तो चलिए, हम इसको ऐसे ढक देते हैं धीमी आंच में, पकेगा तब तक हम आटा लगा लेते हैं। हमारा आटा भी सना गया है, अब हम फटाफट पराठा बना लेते हैं जल्दी जल्दी। टमाटर डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। नमक अभी डाल दे रहे हैं ताकि वो सब्जी थोड़ा सा और जल्दी पक जाएगा, और मसाला भी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, हमने तवा भी रख दिए हैं, तवा गर्म हो रहा है, तो हम चलिए पराठा बना लेते हैं। ये पहले गाय के लिए हम निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम सब अपने के लिए बनाएंगे, क्योंकि पहली रोटी हम लोग गाय के लिए निकालते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम मसाला मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस हल्का हल्का सा मिलाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम हल्दी मिला रहे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हमारा ये पराठा भी हो गया है गाय का, तो अपने लिए बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, गाय के लिए तो रोटी हमने बना दी, अब हम जल्दी जल्दी बच्चों के लिए टिफिन रेडी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता जा रहा है। 8 बज गए, अभी इसको और थोड़ा सा हम पका देते हैं सब्जी। अभी पानी इसमें निकल रहा है, क्योंकि इसमें नमक उमक डाल दिए थे। तो चलिए दोस्तों, हमारी सब्जी पक गई है, अब इसको हम बंद कर देते हैं और हम प्लेट में भी निकाल देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा गोभी आलू मटर की सब्जी बन गई है और ये साथ में पराठा भी बन गया है। तो चलिए, हमारी सब्जी और पराठा कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे का वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय।